दिव्य ज्योति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा के उद्घाटन अवसर पर आज गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कथास्थल एमपी इंटर कॉलेज से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः कथास्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। भक्ति भाव के साथ निकली कलश यात्रा में महिलाओं ने सर पर कलश रख नंगे पांव नगर भ्रमण किया, साथ ही भक्तजन ढोल नगाड़े के थाप पर झूमते नाचते रहे। पूरा वातावरण भक्तिमय था। रास्ते में जगह जगह पर कलश यात्रा का भक्तजनों ने स्वागत किया। कलश यात्रा में शामिल स्वामी विष्णु प्रकाश नंद ने बताया कि भक्तों को साक्षात भगवान का दर्शन कथा वाचन के दौरान होता है। आज इसकी कमी है समाज के अंदर, क्योंकि महाराज श्री जी केवल प्रवचन ही नहीं करते, बातें नहीं करते, बल्कि परमात्मा का दर्शन कराते हैं। ये भागवत कथा का मतलब ही है भगवान का दर्शन करना। आज समाज के अंदर परिवर्तन न आने का कारण यही है कि लोग बातें तो करते हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कराते। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवान का दर्शन कराए थे। आज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से आज भी वो चीज़ मिलता है। यहाँ भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाती है और परमात्मा का दर्शन किया जाता है। ये जितनी काफिला निकली है ये सब लोगों ने सर्वश्री आशुतोष महाराज की कृपा से भगवान का दर्शन किया है और उसी का संदेश लेके हम